आज के इस वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस टॉपिक के पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे बात करेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें बताता क्या है, और फिर हम इसका जो एप्लीकेशन है उस पर बात करेंगे। हम एक छोटा सा सिचुएशन कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को किस तरह से सिंपल बना सकता है। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें बताता क्या है। तो फिर ये जो आर्बिट्ररी शेप का ऑब्जेक्ट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पता करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि अलग अलग एक्सीज में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही ऑब्जेक्ट का अलग अलग हो सकता है। फिर अगर हम इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन को बदल दें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। सबसे पहले ये मानते हैं कि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर ऑफ मास से पार हो रहा है। तो ये रहा वो पहला एक्सिस, और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कुछ इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ऊपर से देखे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब ये ऐसे घूम रहा है तो इस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये है ICM, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से पार हो रहा, तो ICM यहीं पर कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, अंदर यहां पर कहीं पर सेंटर ऑफ मास है। अब जैसे कि इससे पहले हमने बात किया है कि अगर हम एक्सिस को चेंज कर देते हैं, एक दूसरा ही एक्सिस कंसिडर करते हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। अब हम इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे एक अलग एक्सिस में, वो एक्सिस रहा ये। यहां पर इस नए एक्सिस के लिए जो इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसे हम बड़े आसानी से पैरेलल एक्सिस थ्योरम से पता कर सकते हैं। शर्त यही है कि ये जो नया एक्सिस बनेगा वो इस एक्सिस पे, जो पुराना एक्सिस था जो कि सेंटर ऑफ मास से पार हो रहा था, इस पुराना एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। इसीलिए इस थ्योरम का नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये बहुत ही सिंपल है। इसके लिए तो देखिए, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दो एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है, ये मान ले डी है। और अब ये ऑब्जेक्ट जो घूमेगा वो अब इस एक्सिस में घूमेगा, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई होता है तो हमें इस आई को और इस ICM को इंटररिलेट करना है। तो ये जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा इस एक्सिस में, इस ब्लू एक्सिस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, वो ऑब्वियस सी बात है पहले एक्सिस के कारण बना हुआ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस ऑब्जेक्ट का, मतलब पहला एक्सिस में जो घूम रहा था, इस येलो वाले एक्सिस में जो घूम रहा था, उससे ज्यादा होगा। क्योंकि हमें पता है एक ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम तभी होगा जब एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर ऑफ मास से पार हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब एक्सिस को अगर आप शिफ्ट करते हैं पैरेलली, किधर भी आप शिफ्ट कर ले, आप सेंटर ऑफ मास से दूर जाएंगे। जैसे ही आप सेंटर ऑफ मास से दूर जाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना उतना कठिन होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। और इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है कि नया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा ये बराबर होगा, ये जो पुराना मोमेंट ऑफ इनर्शिया था जब एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पार हो रहा था, प्लस जो मास है इस बॉडी का इनटू इन दोनों एक्सीज के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो इतना ज्यादा होगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। इसका मतलब यह है कि आप जितना दूर शिफ्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। अगर मान ले इस केस में अगर एक्सिस यहां पर होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना चेंज होता उससे कहीं ज्यादा चेंज होगा अगर एक्सिस को और दूर भेज देंगे। यहां पर ध्यान रखें दो शर्तें हैं। पहला शर्त यह है कि इन दोनों एक्सिस को पैरेलल होना होगा, और दूसरा शर्त यह है कि ये जो एक्सिस है, ये जो पहला वाला एक्सिस है, या फिर ये जो छोटा वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाने वाला जो एक्सिस है, वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पार होना चाहिए। ये दो शर्तें फुलफिल होंगे तभी जाके ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल होगा। अब चलिए देख लेते हैं इसे हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए एक जाना पहचाना सिचुएशन ही कंसीडर कर लेते हैं। एक रॉड है, इसे हम रोटेट करेंगे।
तो सबसे पहले इसे ऐसे रोटेट करेंगे कि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा उसके सेंटर ऑफ मास से पार हो, बिल्कुल इसके बीचों बीच से पार हो रॉड के, ये हो गया इसका एक्सिस। और ये रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में, मान ले किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रोटेट कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसे हम ICM कह सकते हैं। और ये हमने देखा था इससे पहले, हमने डिराइव भी किया था कि ये बराबर होता है इस रॉड का मास इनटू इसका जो लेंथ है उस लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। अब अगर हम इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करते हैं और वो एक्सिस ऐसे पार होता है इसके एंड से, बिल्कुल एंड से पार हो, अब अगर हम इसे रोटेट करते हैं तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये ज्यादा होगा। तो इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, हमने देखा था कि ये बराबर होता है इसका मास इनटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। यहां पर अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन रहता है कि सेंटर ऑफ मास से एक्सिस अगर पार हो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, दैट मीन ये इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास रहे तो बिना कैलकुलस को यूज करते हुए भी हम इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पता कर सकते हैं। यहां पर ये दो एक्सीज जो हैं देखिए एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो जब ये पैरेलल है एक दूसरे के साथ तो हम यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा शर्त तो ये पहले से ही पूरा कर रहा कि ये जो एक्सिस है, पहला वाला जो एक्सिस है ये इसके सेंटर ऑफ मास से पार हो रहा है, तो अब बिना कैलकुलस का भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए देखिए ये जो एक्सिस है, ये जो शिफ्ट हुआ, दैट मीन दो एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है ये पता होना चाहिए। और ये होगा कितना, चूंकि रॉड का लेंथ एल है तो ये जो शिफ्ट है ये उसी का आधा होगा, एल डिवाइडेड बाई 2। हाँ, प्रोवाइडेड दैट कि ये रॉड जो है होमोजेनस रॉड हो, ऐसा नहीं कि यहां डेंसिटी ज्यादा है यहां डेंसिटी कम है, ऐसा नहीं है, तब L डिवाइडेड बाई 2 नहीं होता। तब सेंटर ऑफ मास अगर मान ले इस डायरेक्शन में, इस तरफ अगर उसका मास बहुत ज्यादा होता, इस तरफ अगर हल्का मटेरियल से बना होता, तो ऑब्वियसली बात है सेंटर ऑफ मास जो है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट करता, तो ये यहां से पार होता, ये एक्सिस जो हमने यहां पर ड्रॉ किया है सेंटर ऑफ मास से पार करने के लिए, तब ये एल डिवाइडेड बाई 2 हम नहीं कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो है एल डिवाइडेड बाई 2 होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। तो रॉड होमोजेनस होगा तभी जाके यहां हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये शिफ्ट किया कितना, एल डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हुए हम ये कह सकते हैं कि आई ये बराबर होगा आई सी एम प्लस जो मास है इस रॉड का दैट इज एम इनटू जो डिस्टेंस ये शिफ्ट किया है दैट मीन एल डिवाइडेड बाई 2 ये डिस्टेंस इसका स्क्वायर। चलिए देखते हैं कितना आएगा आई का वैल्यू। सो आई सी एम हमें पता है ये होगा एम एल स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई 12 प्लस यहां से देखिए ये बन गया एम और एल डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर तो एल स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई 4 एल स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई 4 एड करें इसे डिनोमिनेटर में 12 सो एम एल स्क्वायर्ड प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 सो 3 एम एल स्क्वायर्ड तो हमें मिला 4 एम एल स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई 12 इवेल्युएट करें इसे तो ये बन गया एम एल स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई 3। और इससे पहले हमने इसे इवेल्युएट भी किया था कैलकुलस के मदद से और हमने देखा भी था कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस केस में ये होगा एम एल स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई 3। सो इस तरह से हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करते हुए सिचुएशंस को आसान बना सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में इस इक्वेशन को मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।